अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं लेक्चर नंबर 40 और टॉपिक है हमारा अरेंजमेंट ऑफ स्केलेटल मसल्स फॉर मूवमेंट्स ऑफ स्केलेटन। डियर स्टूडेंट्स, हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि जो स्केलेटल मसल्स हैं ये वॉलंटरी मसल्स होते हैं, मतलब ये है कि हमारी बॉडी के अंदर जो कॉन्शियस मूवमेंट होती हैं उन मूवमेंट्स के अंदर ये स्केलेटल मसल इन्वॉल्व होते हैं। स्केलेटन यानी जो बोन्स हैं वो जो मूव करती हैं, वो मूव भी किस वजह से करते हैं, अगर हमारी वॉलंटरी मूवमेंट है तो वो स्केलेटल मसल्स की वजह से होती है। स्केलेटल मसल वॉलंटरी मसल्स होते हैं, स्ट्रिएटेड मसल्स होते हैं, कॉन्शियस मसल्स होते हैं, और उसका डिटेल के साथ हमने स्ट्रक्चर देख लिया है। अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं स्केलेटल मसल है 3 पॉइंट्स। स्केलेटल मसल्स के अंदर 3 पॉइंट्स होते हैं। स्केलेटल मसल को अगर हम गौर से देखें तो इस तरह से मसल होता है। मसल्स के अंदर अगर देखें तो जो दरमियान वाला एरिया है ये वाइड होता है और दोनों एरिया जो है वो थिन होते हैं। एक वो पार्ट यानी कि स्केलेटल मसल का एक पार्ट जो है वो अटैच होता है इमूवेबल बोन के साथ, इमूवेबल बोन के साथ, और फिक्स हो जाता है विद द हेल्प ऑफ टेंडन स्पेशलाइज्ड कनेक्टेड टिश्यू, जो आगे हम डिस्कस करेंगे, दैट इज कॉल्ड ओरिजिन। दूसरा कौन सा होता है, वो पार्ट जो कि किसके साथ अटैच होता है, मूवेबल बोन, मूवेबल बोन, और ये मूवमेंट के अंदर ये मूव करता है तो इसको कहते हैं इंसर्जन, ठीक है। और दरमियान वाला जो थिक पोर्शन होता है इसको कहते हैं बैली, ठीक है। तो क्लास हमारे 3 पार्ट्स हैं स्केलेटल मसल के, वो कौन कौन से हैं। नंबर 1 ओरिजन, द पार्ट ऑफ स्केलेटल मसल विच इज अटैच विद इमूवेबल बोन एंड रिमेन फिक्स्ड कॉल्ड ओरिजिन। पॉइंट क्लियर। ओरिजिन किसे कहते हैं, स्केलेटल मसल का वो पार्ट जो कि इमूवेबल बोन के साथ अटैच हो उसे कहते हैं ओरिजिन। फॉर एग्जाम्पल हमारे बाइसेप और ट्राइसेप मसल जो है वो स्कैप्यूला के साथ अटैच है, तो स्कैप्यूला इमूवेबल बोन है, तो ये जो ओरिजिन हो इसको क्या कहेंगे, ओरिजिन। नेक्स्ट है इंसर्जन, इंसर्जन इज द पॉइंट ऑफ स्केलेटल मसल्स विच इज अटैच विद मूवेबल बोन एंड हेल्प इन मूवमेंट, द अदर पार्ट ऑफ स्केलेटल मसल इज अटैच विद मूवेबल बोन कॉल्ड इंसर्जन एंड इट मूव व्हेन मसल कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर। थर्ड हमारे पास बैली, द थिक पार्ट ऑफ द स्केलेटल मसल बिटवीन ओरिजिन एंड इंसर्जन विच कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स इज कॉल्ड बैली। तो ये हमारा शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आ गया, और ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन में टॉपिक को याद करना है, और ये शॉर्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू बार बार पढ़ रहे हैं, मोस्ट अबंडेंट टाइप ऑफ टिश्यूज विच आर प्रेजेंट इन योर बॉडी आर कनेक्टिव टिश्यू, और कनेक्टिव टिश्यू फाइबर्स, इलास्टिक फाइबर्स और कोलेजन फाइबर्स उनसे बने होते हैं। अब हम बात करें कनेक्टिव टिश्यू, तो इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है बोन्स को स्केलेटल मसल के साथ अटैच करवाना। कनेक्टिव टिश्यू बाइंड द अदर टिश्यूज एंड हेल्प टू मेंटेन द बॉडी फॉर्म बाय होल्डिंग द वेरियस ऑर्गन्स टुगेदर। हमारी बॉडी की जो शेप है उसको होल्ड करने के अंदर कनेक्टिव टिश्यू अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, मेजर 2 टाइप के कनेक्टिव टिश्यू हैं। नंबर 1 लिगामेंट्स एंड नंबर 2 टेंडन। लिगामेंट्स ऐसे टाइप के कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं जो एक बोन को दूसरी बोन के साथ कनेक्ट करते हैं, और टेंडन इसके उलट है, जो मसल को बोन के साथ कॉन्टैक्ट करते हैं, कनेक्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड टेंडन। तो ये हमारे पास देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, नंबर 1 लिगामेंट एंड नंबर 2 टेंडन। लिगामेंट्स अटैच बोन टू बोन एंड स्लाइटली इलास्टिक, लिगामेंट स्लाइटली इलास्टिक होते हैं,
जबकि टेंडन्स अटैच मसल टू बोन एंड आर नॉन इलास्टिक। ये हमारा शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यू हो गया। उसके बाद है मूवमेंट्स ऑफ बोन्स। बोन्स मूव कैसे करती हैं? तो इसका आंसर याद रखिएगा कि हमारे बोन्स के साथ एंटागोनिस्टिक मसल्स अटैच होते हैं, विच आर मोस्टली स्केलेटल मसल। देर आर 650 टाइप्स ऑफ मसल विच आर प्रेजेंट इन योर बॉडी, मोस्टली आर द प्रेजेंट इन पेयर फॉर्म। अब इसमें इससे पहले अगर मैं बात करूं तो मूवमेंट्स ऑफ बोन के अंदर स्केलेटल मसल्स का इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। कैसे? द मेजॉरिटी ऑफ मसल्स इन आवर बॉडी आर द स्केलेटल मसल, प्रोड्यूस मूवमेंट्स बाय पुलिंग द टेंडन्स थ्रू कॉर्ड ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू। उसके बाद टेंडन पुल्स ऑन बोन, यानी कि आपने याद रखेगा जो टेंडन्स हैं वो टेंडन कहां पर होते हैं? एक मसल को बोन के साथ, मसल को बोन के साथ अटैच करवाने के अंदर उसे टेंडन कहते हैं। और वो मोस्टली जो मूवेबल बोन होती है उसको कॉन्ट्रैक्ट करवाते हैं और मूवमेंट्स के अंदर इंपॉर्टेंट रोल होता है। व्हेन कॉन्ट्रैक्ट इट ड्रॉ वन बोन टूवर्ड्स आर अवे फ्रॉम द जॉइंट विद विच इट इज आर्टिकुलेट। उसके बाद है एंटागोनिस्टिक मसल। अभी मैंने बताया था देर आर 650 टाइप्स ऑफ मसल विच आर प्रेजेंट इन योर बॉडी, मोस्टली आर दी इन पेयर्स। और याद रखें जो पेयर्स फॉर्म में हैं वो एक दूसरे के उलट काम करते हैं। जब एक कॉन्ट्रैक्ट होता है दूसरा रिलैक्स होता है, और जब दूसरा कॉन्ट्रैक्ट होता है तो पहला रिलैक्स होता है। इसको कहते हैं दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड एंटागोनिज्म एंड द मसल आर कॉल्ड एंटागोनिस्टिक मसल। फॉर एग्जाम्पल बाइसेप मसल इन फोर आर्म एंड ट्राइसेप, बाइसेप अपर साइड पे है और ट्राइसेप लोअर साइड पे है अपर आर्म की, और ये एक दूसरे के उलट काम कर रहे होते हैं जिनको हम कहते हैं बाइसेप एंड ट्राइसेप मसल आर द एंटागोनिस्टिक मसल। अब इसके बाद हमारे पास है एग्जाम्पल। एग्जाम्पल के अंदर हमारे पास एक्सप्लेन किया गया है बाइसेप और ट्राइसेप मसल विच आर प्रेजेंट विच आर अकर्ड विच मूव द एल्बो ज्वाइंट। तो यहां मैंने दो डायग्राम बनाई हैं, आप इसमें देख सकते हैं ये ऐसी कंडीशन है जिसमें एक स्टेट जो है वो कंडीशन है। तो हमारे पास दो टाइप के मसल्स हैं, एक है हमारे पास आपकी बुक में नहीं बताया गया ये है, एक होते हैं फ्लेक्सर मसल और एक होते हैं एक्सटेंसर मसल। ये आपने टेंथ क्लास की बुक के अंदर पढ़ा होगा फ्लेक्सर और एक्सटेंसर। फ्लेक्सर मसल वो होते हैं जब कॉन्ट्रैक्ट हो तो मूवेबल बोन को जॉइंट पर बेंड करवा दें, और एक्सटेंसर वो होते हैं जब कॉन्ट्रैक्ट हो तो मूवेबल बोन को एड जॉइंट स्ट्रेट कर दें। ठीक हो गया? तो याद रखें जब ये, अब मसल कौन से हैं? फ्लेक्सर मसल, और नाम है इनका बाइसेप्स विच आर प्रेजेंट अपर आर्म अपर साइड, और नीचे हैं ट्राइसेप्स। और ट्राइसेप्स जो है ये एक्सटेंसर मसल होते हैं। तो याद रखिए ये बात आपकी बुक में लिखा हुआ है कि बाइसेप जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ये क्या करता है? मूवेबल बोन को बेंड करवा देता है, इस कंडीशन में हम पढ़ेंगे। और एक्सटेंसर मसल जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो मूवेबल बोन को स्ट्रेट कर देता है जॉइंट के ऊपर। क्लियर? अब हम इसके अंदर याद रखें पहली कंडीशन हम देखते हैं, ये जो स्ट्रेट कंडीशन है ये कंडीशन है ट्राइसेप मसल इस कंडीशन में कॉन्ट्रैक्ट है, जबकि बाइसेप मसल इस कंडीशन में रिलैक्स है, क्योंकि एंटागोनिस्टिक मसल है बाइसेप्स एंड ट्राइसेप मसल। अब जब बाइसेप मसल रिलैक्स्ड हूं और ट्राइसेप मसल कॉन्ट्रैक्ट हूं तो मूवेबल बोन जो कि रेडियस और अल्ना होते हैं ये स्ट्रेट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? स्ट्रेट। कहां पर? एट एल्बो जॉइंट। ठीक हो गया? अब इसको हम क्या कहेंगे? इसको कहेंगे एक्सटेंसर मसल, और इस मूवमेंट को कहेंगे एक्सटेंशन। क्या नाम देंगे? एक्सटेंशन। इसको उलट कर दें तो वो क्या होगा? दूसरी कंडीशन है जिसमें ये कंडीशन छोकी गई है, जिसमें अपर आर्म के अंदर जो मसल हैं कौन से हैं? अभी हमने पढ़ा था ये हैं बाइसेप्स और ये हैं
ट्राइसेप्स, ठीक है। इस कंडीशन में आप देख सकते हो जो ट्राइसेप्स हैं ये क्या हैं, रिलैक्स्ड, और बाइसेप्स क्या हैं, कॉन्ट्रैक्ट। अब जब बाइसेप मसल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो मूवेबल बोन ये जो आगे यहां पर प्रेजेंट होते हैं उसको क्या कहते हैं, रेडियस, और दूसरी का नाम होता है अल्ना। तो रेडियस और अल्ना को मूवेबल बोन के ऊपर बेंड करवा देते हैं, सॉरी जॉइंट के ऊपर बेंड करवा देते हैं, एल्बो जॉइंट के ऊपर मूवेबल बोन बेंड करेंगी, इसको कहते हैं मूवमेंट का नाम होता है फ्लेक्शन। और एक में इसमें एक और शॉर्ट क्वेश्चन है कि जो हमारे पास बाइसेप मसल्स हैं इसके आगे दो ब्रांचेस होती हैं, एक अपर साइड एक लोअर साइड। लोअर साइड में एक ब्रांच जाकर अटैच होती है रेडियस के साथ, उसको कहते हैं ब्रैकी रेडियलस, और दूसरी हमारे पास अटैच होती है अल्ना के साथ, उसको क्या कहते हैं, ब्रैकी एलिस। ब्रैकी एलिस और ब्रैकियो रेडियलिस ये दो पार्ट बाइसेप्स के लोअर साइड पे, मतलब इसको अगर यहां देखें तो ये यहां पर प्रेजेंट है, इस तरह से नजर आते हैं और जाकर ये जाकर अटैच होते हैं, ब्रैकियलिस एंड ब्रैकी रेडियलिस। इनकी कंट्रैक्शन से जो मूवेबल बोन रेडियस एंड अल्ना है ये बेंड होते हैं एल्बो जॉइंट के ऊपर, और मूवमेंट होती है फ्लेक्शन। इस तरह से कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से जो मूवेबल बोन होते हैं वो जॉइंट के ऊपर या बेंड हो जाते हैं या क्या हो जाते हैं, स्ट्रेट हो जाते हैं। तो इस तरह से हमारी बॉडी के अंदर जो है वो क्या होते हैं, मूवमेंट्स होते हैं। तो यहां पर हमारा लेक्चर एंड होता है। थैंक यू क्लास, अल्लाह हाफिज़।